तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12 का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले कक्षा 12वीं के प्रत्येक विषय के वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12 का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का पूछा जाएगा और आप सबको दोस्तों इसकी तैयारी कैसे कर लेनी है। देख सकते हैं दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पेपर कैसा होगा और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12 हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आपका जो 12वीं का क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी का, इसके लिए समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे से समझ लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सोल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्पों में दोस्तों पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें आपका आ जाएगा परिवर्तनशील, और इसके अलावा दूसरे में दोस्तों आपको लिख लेना अर्थहीन, और इसके अलावा तीसरे नंबर के क्वेश्चन को पढ़े तो द्विवेदी युग का महाकाव्य है। देखिएगा दोस्तों, द्विवेदी युग का महाकाव्य का नाम है प्रिय प्रवास। उसके अलावा भारतेंदु युग के निबंधकार, चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको लिख लेना है प्रताप नारायण मिश्र। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में कुएं थे, तो लगभग दोस्तों 700 कुएं वहाँ पर मिले थे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, संपादन के तत्व में वस्तुपरकता का अर्थ होता है, तो यहाँ से आपको लिख लेना प्रमाणिकता। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा है इसमें आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। पहले रिक्त स्थान में आपको लिख लेना है आनंद रतन यादव, दूसरे नंबर में दोस्तों आपको लिख लेना जिज्ञासा, और तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको लिख लेना है विभत्सरस का स्थायी भाव होता है, तो यहाँ से आपको लिख लेना जुगुप्सा, और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है दोस्तों इसमें आपको लिख लेना भारतेंदु युग, और इसके अलावा पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको लिख लेना है पहलवान की ढोलक, और उसी के अलावा छठे नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख लेना उदारता, और इसके अलावा सातवें नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख लेना है राही। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें, और इसके अलावा यहाँ से आपसे जोड़ी का मिलान पूछा जाएगा। जोड़ी मिलानों में अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहले आपको बात सीधी थी, पर इसमें आपको दोस्तों इसकी जोड़ी का मिलान कर लेना कुंवर नारायण से, और दूसरे नंबर पे जो लिखा पहलवान की ढोलक, इसकी जोड़ी का मिलान दोस्तों आपका आ जाएगा ज नंबर से पणीश्वर नाथ रेणु से, और उसी के अलावा कहानी, इसकी जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको कर लेना 6 नंबर से देशकाल और वातावरण से, और चौथे नंबर पर जो लिखा सिल्वर वेडिंग, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना दोस्तों 4 नंबर से, देखिएगा जिसमें लिखा है मनोहर श्याम जोशी, और बुरी तरह हारना, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका आपको कर लेना है 6 नंबर से, और इसके अलावा दोस्तों अतीत में दबे पांव, इसमें आपको ओम थानवी से। इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग जोड़ी का मिलान पूरा कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य में पहले नंबर का दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा, और दूसरे नंबर का भी आपका सत्य होगा, तीसरे नंबर का आपका सत्य होगा, और इसके अलावा चौथे नंबर का दोस्तों आपका असत्य होगा, और पाँचवे नंबर का भी दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा, और छठे नंबर का आपका असत्य होगा। और इसी के अलावा दोस्तों आगे देख सकते हो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर यहाँ से आपसे पूछे गए हैं, तो देख सकते हो आप सभी लोग यहाँ से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, रेखा चित्र अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी अनुवाद है, तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना स्केच। जी हाँ दोस्तों, ये स्केच का हिंदी अनुवाद है। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, वर्ण किसे कहते हैं, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से आपको लिख लेना है शब्द के अंश को वर्ण कहते हैं। और इसके अलावा चौथे नंबर का क्वेश्चन, में शैली का प्रयोग किस प्रकार के लेखन में किया जाता है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है अप्रत्याशित लेखन में। कैसे? अप्रत्याशित लेखन में शैली का प्रयोग किया जाता है। और उसी के अलावा, जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुँचे तो उनकी दशा कैसी थी, देखिएगा दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका उत्तर आपको लिखना है। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेवा भावना और गले की कंठी।
और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देख सकते हो, प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है, नीले संघ के जैसा दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में, कवि की हताशा का और निराशा का क्या कारण है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है, परिवार से बिछड़ना। और उसी के अलावा आगे देख सकते हो, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सभी लोग देख लें। क्या क्वेश्चन लिखा है, भाषा की सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, प्रयोगवादी कविता की कोई दो विशेषताएँ, भक्तिन के चरित्र की दो विशेषताएँ, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। पूरा का पूरा दोस्तों आप सबसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इसको देख लेंगे और लिख लेंगे। और पूरा का पूरा दोस्तों आप सभी को इस जगह से इन चीज़ों को नोट कर लेना है, ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप सबका इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया है। प्रश्न नंबर 19, 20, 21, 22 सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप सबको दिए गए हैं, आप सभी लोग दोस्तों इस जगह से इनको लिख लेंगे और देख लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ से मेरे द्वारा आप सबको पूरा बता दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।